अजय सर के साथ वाला एक्सपीरियंस तो कमाल का था। एक्चुअली इन सब लोगों के साथ मैंने सिर्फ एक एक ही दिन शूट किया है। ओके, तो एज सच मैंने बहुत दिन उनके साथ काम किया है, बहुत दिन उनके साथ बिताया है, ऐसा नहीं था। लेकिन जो भी सीन्स उनके साथ या जो भी कुछ टाइम मैं उनके साथ गुजार पाया वो बहुत प्रेशियस है मेरे लिए। ये किरदार करते वक्त बहुत ही ज़्यादा मजा आया। दृश्यम 2 ये मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म है, सो इट्स स्पेशल। दैट टू जो कैरेक्टर था डेविड ब्रिगेंजा, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द स्टोरी एंड आई रियली 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 एंजॉयड प्लेइंग इट। और मेरे सीन्स जो थे वो अजय सर, तब्बू मैम, अक्षय खन्ना, रजत कपूर सर, तो इन सब लोगों के साथ मुझे काम करने का पहली फिल्म में मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग मी ऑन देसी फीड। हाय, थैंक यू। यस, मुझे ना ये किरदार करते वक्त बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। दृश्यम 2 ये मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म है, सो इट्स स्पेशल। दैट टू जो कैरेक्टर था डेविड ब्रिगेंजा, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द स्टोरी एंड आई रियली 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 एंजॉयड प्लेइंग इट। और मेरे सीन्स जो थे वो अजय सर, तब्बू मैम, अक्षय खन्ना, रजत कपूर सर, तो इन सब लोगों के साथ मुझे काम करने का पहली फिल्म में मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मराठी में मैंने ऑफकोर्स काम किया है, तो वो तो मेरी मदर टंग है, महाराष्ट्रियन, तो वो तो मेरा एक कम्फर्ट जोन है ऑफकोर्स। लेकिन हर किसी का सपना होता है कि बॉलीवुड मूवीज में काम करना होता है, तो जो पूरे इंडिया में दिखाई जाती है, तो उसका ग्रैंडर अलग होता है। एंड दैट टू दृश्यम 2 ये बिग बजट मूवी है, जिन स्टार्स को हमने बचपन से देखा है उनके साथ काम करने का मौका इसमें मिल रहा था, तो ये अलग ही एक्सपीरियंस, इसका ग्रैंडर ही अलग था। तो दोनों में ऐसा कंपैरिजन नहीं है, उसकी अलग ब्यूटी, अलग मजा है, और ये भी अलग है। अजय सर के साथ वाला एक्सपीरियंस तो कमाल का था। एक्चुअली इन सब लोगों के साथ मैंने सिर्फ एक एक ही दिन शूट किया है। ओके, तो एज सच मैंने बहुत दिन उनके साथ काम किया है, बहुत दिन उनके साथ बिताया है, ऐसा नहीं था। लेकिन जो भी सीन्स उनके साथ या जो भी कुछ टाइम मैं उनके साथ गुजार पाया वो बहुत प्रेशियस है मेरे लिए। और आगे जाके ये तो मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म थी, आगे जाके मुझे बहुत अच्छा काम करना है, बहुत चैलेंजिंग रोल्स करने हैं, मुझे लीड करना है, मुझे वेब सीरीज में भी काम करना है। तो एक एक्टर जो होता है उसे हर रोल में या हर जो एक्साइटिंग रोल्स जो होते हैं वो करने की चाह होती है। सो आई विश द सेम एंड आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि दृश्यम 2 के बाद शायद अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। सो आई विल कीप ऑन ट्राइंग। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है, फिलहाल तो मैं एक नाटक कर रहा हूँ, मराठी नाटक, सो आविष्कार करके एक बहुत प्रेस्टिजियस और पुरानी थिएटर ग्रुप है, उनके साथ मैं एक एक्सपेरिमेंटल प्ले कर रहा हूँ। उसके साथ फरवरी में मैं एक फिल्म की शूट मैं शूट स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक दो तीन ऑफर्स अच्छे अच्छे आए हैं, तो उनसे बात चालू है। तो लेट्स होप कि कुछ अच्छा मैं आपके सामने लेके आऊँ। Yes. तो मैं एक्चुअली वो मैंने कर लिया है, मैंने मराठी सीरियल की है, या भी मैं गुम में भी मैं आई वॉज द नेगेटिव लीड, अभी वो लीप के बाद मैं एक चेंज्ड कैरेक्टर है, तो ऑफकोर्स वो एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन फिलहाल के लिए अभी उधर मैंने कुछ
कुछ साल बिता दिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ओटीटी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ या फिल्में करने की कोशिश करूँ। या एक्चुअली मैं मतलब इतने साल जो दिए हैं वो मैं एक्चुअली ऐसा नहीं समझता हूँ। ये तो मेरी पहली बॉलीवुड की मूवी है, तो अभी अभी तो जस्ट कदम रखा है, तो और बहुत सारी चीज़ें काम करनी एक्सप्लोर करनी है। लाइक दृश्यम 2 जो है ये पहली बिग बजट बॉलीवुड मूवी मैंने की है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काम करना है, अच्छे से अच्छे कैरेक्टर करने की कोशिश मैं करता रहूँगा और फिर देखते हैं। लेकिन आपका सीरियल सीरियल ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जो मैं किसी के प्यार में मैंने सीरियल की या मराठी सीरियल्स मैंने की थी, तो अभी ये जो नया वर्ल्ड है ये एक्सप्लोर करने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत पहले से ड्रीम था बॉलीवुड मूवी में काम करना। ये हर मुझे लगता है हर एक्टर का सपना होता है, और दृश्यम 2 से वो शुरुआत हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे से और ज़्यादा काम करूँगा और इधर कर रहूँ और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ। ऑडियंस को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिन लोगों ने दृश्यम 2 देखी है तो उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मेरे कैरेक्टर को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, और जिन लोगों ने देखी नहीं है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जाइए और ये फिल्म देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच गाइस।